देखिए, एक दिन पहले लाइव 1 मिलियन, 2 दिन पहले 4 लाख, 3 दिन पहले 8 लाख। आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा जो आप एडिटिंग में मेहनत करते हैं और भी काफी कुछ वीडियो में करते हैं, उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा और आप डायरेक्टली लाइव आके वीडियो को वायरल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, हु कैन सेंड यू मैसेज, तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर पे क्लिक करना है और इसे यहाँ पे सेव कर देना है। दोस्तों, अगर आप YouTube पे वीडियो बना बना के थक गए हैं, फिर भी आपके वीडियो पे नहीं व्यूज जाते हैं और ना ही आपके चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, अब ऐसे में आप वीडियोस तो बहुत मेहनत करके बनाते हैं, थंबनेल पे भी काफी मेहनत करते हैं, टाइटल लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, टैग लिखते हैं, काफी मेहनत करने के बाद जब आप ये देखते हैं कि मेरे वीडियो पे व्यूज नहीं जा रहे हैं तो आप काफी डीमोटिवेट फील करते हैं, उसके बाद आपको वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको कहूंगा कि आप वीडियो बनाना छोड़ दो। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम वीडियो बनाना ही छोड़ देंगे तो आखिर हमारा चैनल ग्रो कैसे होगा, यूट्यूब पे हम सक्सेसफुल कैसे होंगे। दोस्तों, मैं आपको आज के डेट में ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप बिना वीडियो बनाए डायरेक्टली लाइव आके अपने सब्सक्राइबर को भी बढ़ा सकते हैं और अपने वीडियो को भी वायरल कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे कि डायरेक्टली लाइव आके, आपने काफी सारे ऐसे चैनल देखे होंगे जो वीडियोज नहीं बनाते, डायरेक्टली लाइव आते हैं और उनके लाइव पे मिलियंस में व्यूज जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ आपको बेल आइकन भी दबा देना है ताकि आपको YouTube रिलेटेड नई नई जानकारियां मिलती जाएं। सबसे पहले दोस्तों, यहां पे मैं आपको एक चैनल दिखाता हूं जो चैनल लाइव आता है ज्यादातर और उनके वीडियोस पे लाखों में व्यूज आते हैं। चलिए, सबसे पहले यहां पे YouTube को ओपन कर देते हैं और यहां पे सर्च कर देते हैं अंकित अवस्थी। ये जो चैनल है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि काफी सारी ऐसी वीडियोस हैं जो कि डायरेक्टली लाइव आके बनाई गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्ट्रीम 1 डे एगो 1 मिलियन व्यूज, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए एड भी आ रही है। अब मैं इनके लाइव सेशन में चलता हूँ, आप देखेंगे कि जितनी वीडियोज हैं, देखिए एक दिन पहले लाइव 1 मिलियन, 2 दिन पहले 4 लाख, 3 दिन पहले 8 लाख, 4 दिन पहले 5 लाख, 5 दिन पहले 5,42,000, इस तरीके से व्यूज जाते हैं। आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली लाइव आके जो है ये वीडियोस बनाते हैं। अब आपको कैसे लाइव आना है और आपके सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे और आपके वीडियोस कैसे वायरल होंगी, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रहा हूं और मैं आपको लाइव इसलिए आने के लिए कह रहा हूं, ध्यान से समझिए, क्योंकि अब जब आप टॉपिक सोचते हैं अपने दिमाग में, जब आप वीडियो बनाने जाते हैं तो पहले आपको वीडियो बनाना पड़ता है, फिर आपको उस वीडियो को एडिट करना पड़ता है, फिर उस वीडियो का आपको थंबनेल बनाना पड़ता है, टाइटल लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, टैग लिखना पड़ता है। इतना मेहनत करने के बाद जब सक्सेस नहीं मिलती है, व्यूज नहीं जाते हैं, तो उसी से आप डिमोटिवेट होते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली लाइव आते हैं, ठीक है, तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। एक तो फायदा होगा कि आपकी वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी लंबी बनेगी, ठीक है। दूसरी चीज, आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा जो आप एडिटिंग में मेहनत करते हैं और भी काफी कुछ वीडियो में करते हैं, उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा और आप डायरेक्टली लाइव आके वीडियो को वायरल कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता रहा हूं। आपको सबसे पहले यूट्यूब ऐप में यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गो लाइव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो लाइव पे क्लिक करेंगे, उससे पहले आपको एक बात दिमाग में रखना है, जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं, जो भी आपका नीश है, जो भी आपका कैटेगरी है, उस कैटेगरी में वायरल कंटेंट आपको ढूंढना है। वायरल कंटेंट कैसे ढूंढना है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहले मान लीजिए कि आप किसी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, यहां पर आपको अपने वीडियो से रिलेटेड टॉपिक सर्च कर लेना है। अब मान लीजिए कि आप कुकिंग पे वीडियो बनाते हैं, व्लॉगिंग बनाते हैं, किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो बनाते हैं, जो वीडियो वायरल हो रही है उस वीडियो को यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ अपने कैटेगरी से रिलेटेड व्यूज कैसे बढ़ाए, ठीक है, व्यूज कैसे बढ़ाए, यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया। अब सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे वीडियोस मेरे पास आ रही हैं। अब यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिल्टर में जाना है और आपको यहाँ पे कम से कम टाइम में जो वीडियो वायरल हुई है उसे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अपलोड डेट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे 10 वीक सेलेक्ट करना है, मतलब कि इस सप्ताह में कौन सी ऐसी वीडियो है जो कि ज्यादा वायरल हो रही है मेरे कैटेगरी की, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे काफी सारी वीडियोज आ रही हैं, मेरी भी वीडियोज यहाँ पे आ रही हैं, जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है। 16 घंटे में यहाँ पे 23,000 व्यूज चले गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 दिन में 56 के व्यूज चले गए। तो जिस वीडियो पे ज्यादा व्यूज जा रहा है, क्या करना है कि उसके टाइटल को आपको पहले कॉपी कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 5-7 व्यूज आता है यूट्यूब पर, व्यूज कैसे बढ़ाए, ठीक है। ये मैं अपने कैटेगरी से रिलेटेड बता रहा हूँ, आपकी जो भी कैटेगरी हो उससे रिलेटेड जो बड़े चैनल्स हैं जिनके वीडियो पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, उनका यहाँ पे आपको टाइटल कॉपी कर लेना है। ये जो टाइटल है ये सेम टू सेम यहाँ से आपको कॉपी करना है और कॉपी करके आपको अपने लाइव में पेस्ट करना है। कैसे करना है यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करना है और वही सेम टाइटल जो लिखा हुआ था कि 5-7 व्यूज आते हैं तो व्यूज कैसे बढ़ाएं, व्यूज कैसे बढ़ाएं, हाउ टू गेट व्यूज ऑन यूट्यूब, व्यूज ऑन बढ़ाएं, ठीक है, हाउ टू गेट व्यूज ऑन YouTube, ठीक है। मतलब सेम टाइटल आपको डालना है जो टाइटल वहां पे लिखा हुआ हो। अगर पूरा यहाँ पे नहीं आ रहा है तो जितना आ रहा है उतना यहाँ पे आपको टाइटल डाल देना है जो वीडियो वायरल हो रही है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका थंबनेल ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन आपको ये थंबनेल नहीं रखना है, देखिए यहाँ पे मेरा थंबनेल जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, लेकिन आपको ये थंबनेल बिल्कुल नहीं रखना है। यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे अपलोड थंबनेल का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको थंबनेल पहले से बना लेना है, जो बड़े चैनल्स की जो वीडियोज वायरल हो रही है, जिनके वीडियो में व्यूज जा रहे हैं, उनके आपको थंबनेल उसी के तरह आपको बढ़िया सा थंबनेल बना लेना है और यहाँ पे अपलोड थंबनेल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे गो लाइव नहीं जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको जाना है अपने गूगल क्रोम में, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपको गूगल क्रोम में जाना है। अब आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे आपको योर चैनल में जाना है। इस तरीके से देखिए योर चैनल में गए, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कस्टमाइज चैनल में जाना है, ठीक है। कस्टमाइज चैनल में जाने के बाद आपको मेन यहाँ पे ऑप्शंस जो मिलेंगे वो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। कस्टमाइज चैनल में गए, इस तरीके से आपका जो है क्रिएटर स्टूडियो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो ओपन हो जाता है, यहाँ पे आपको कंटेंट के सेक्शन में जाना है। देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से कंटेंट के सेक्शन में जाना है। कंटेंट के सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको लाइव पे क्लिक करना है। अब जो वहां पे आपने लाइव शेड्यूल किया है, जो आपने लाइव बनाया है, वो लाइव देखिए यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा जो जो चीजें बता रहा हूं। अब आपको अपने लाइव का SEO करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अपने लाइव को वायरल कैसे करना है वो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ठीक है, जो जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है कि इस लाइव को एडिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने जो टाइटल डाला हुआ है, इस तरीके से वो टाइटल आ गया। अब आपको डिस्क्रिप्शन किस तरीके से डालना है, ध्यान से देखिए। लाइव वायरल करने का तरीका बता रहा हूं, जिससे कि आप आसानी से अपने लाइव से डायरेक्टली अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या करना है कि पहले इस टाइटल को पेस्ट कर देना है, जो टाइटल आपने ऊपर में लिखा है, इस तरीके से देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, कॉपी कर लेना है और सबसे पहले यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये हमारा पेस्ट हो गया पहला चीज। अब यहाँ पे आपको नीचे में क्या करना है कि योर क्वेरीज लिखना है, योर क्वेरीज, ठीक है, मतलब कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके नीचे आपको आना है। अब यहाँ पे आपको क्या डालना है, यहाँ पे आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपका वीडियो है उसी टॉपिक को आपको यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे अब आपको दूसरा टैब ओपन कर लेना है, गूगल क्रोम में नहीं, आपको एक और ब्राउजर रखना है, जो भी ब्राउजर आपके पास हो उस ब्राउजर को ओपन यहाँ पे कर लेना है, जैसे कि मैं इस ब्राउजर को ओपन कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे अपने टॉपिक को आपको सर्च करना है, जो टॉपिक वहां से आपने कॉपी किया है, जैसे कि व्यूज कैसे बढ़ाएं यूट्यूब पर, ठीक है, YouTube पर मैंने मान लीजिए ये टॉपिक जो है यहाँ पे सर्च कर दिया। अब सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि लास्ट में लाइव भी लिख देना है, ठीक है, इस तरीके से आपको लाइव लिख देना है। जैसे ही आप लाइव लिखेंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, देख सकते हैं YouTube पर सबसे ज्यादा व्यूज कैसे बढ़ाएं, YouTube पर व्यूज कैसे बढ़ाएं, YouTube पर 1K व्यूज कैसे प्राप्त करें,
पीपल ऑल्सो आस्क, मतलब कि लोगों ने ये चीजें पूछी हैं। उसके बाद आपको अदर रिलेटेड सर्चेज का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो पहली बात तो आपको डिस्क्रिप्शन में हिंदी में नहीं लिखना है, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश में लिखना है, जैसे हम व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं उस तरीके से आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, यूट्यूब पर व्यूज कैसे बढ़ाएं, फ्री व्यूज कैसे बढ़ाएं, इंस्टाग्राम पर 100 फ्री यूट्यूब व्यूज कैसे बढ़ाएं। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको देखना है यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूज कैसे लाएं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो या तो आप इसे डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, YouTube पर सबसे ज्यादा व्यूज कैसे लाएं। तो आपको हिंदी में नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, YouTube पर सबसे ज्यादा व्यूज कैसे लाएं। अब मैं आपको इस तरीके से लिखने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि YouTube पे जब भी ज्यादातर लोग सर्च करते हैं तो इसी वर्ड में सर्च करते हैं, ना वो हिंदी में सर्च करते हैं, ना वो इंग्लिश में सर्च करते हैं, सबसे ज्यादा लोग इंग्लिश में सर्च करते हैं, इसको इंग्लिश बोलते हैं, ना ये हिंदी है ना ये इंग्लिश है, इंग्लिश है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसी तरीके से जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है YouTube पर व्यूज कैसे बढ़ाएं, तो फिर आपको उसी तरीके से यहाँ पे लिख देना है YouTube पर व्यूज कैसे बढ़ाएं, YouTube पर व्यूज कैसे बढ़ाएं, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे जितना ज्यादा आप लिख सकते हैं उतना ज्यादा आपको लिख देना है, मतलब जितना आपको दिख रहा है उतना लिख देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और ये जो वर्ड्स आपको मिल रहे हैं अदर सर्चेज के, इसे आपको टैग में डालना है। आपको कैसे डालना है, इस तरीके से आपको कॉपी कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से आपको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको अपने टैग में आ जाना है, टैग वाले सेक्शन में। सो मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टैग वाला ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखिएगा स्ट्रीम लैंग्वेज भी आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा, आप यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन का लैंग्वेज भी आपको हिंदी ही करना है, ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि टैग को इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देखिए एक टैग हमारा हो गया, अब दूसरा टैग यहाँ पे पेस्ट करना है, तो सेम यहाँ से इस तरीके से कॉपी करना है, यहाँ पे देख सकते हैं कॉपी टेक्स्ट, और यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको आके पेस्ट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से पेस्ट कर दिया। फिर थर्ड यहाँ पे इसी तरीके से आना है और यहाँ से इस तरीके से कॉपी करना है, सेलेक्ट टेक्स्ट कॉपी, और इस तरीके से आपको जो क्या करना है कि पूरा का पूरा अपना लाइव जो है स्ट्रीम तैयार कर लेना है, पूरा SEO यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, ये सारी चीजें करने के बाद आपको यहाँ पे शेड्यूल करना है कि कितने बजे आप लाइव आना चाहते हैं। तो मान लीजिए आज 5 मार्च 2023 है, तो 11:40 में यहाँ पे शेड्यूल है, ठीक है, मैंने जब लाइव किया था तब, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 12 बजे करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 12 बजे करना चाहता हूँ, तो 12 बजे यहाँ पे आपको टाइमिंग सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो मेन चीज है वो यहाँ पे समझिए, आपने क्या क्या किया, टाइटल डाल दिया, आपने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, उसके बाद आपने हैशटैग नहीं डाला, हैशटैग बहुत जरूरी है। यहाँ पे हैशटैग पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अपने टॉपिक से रिलेटेड सर्च करना है, जैसे कि व्यूज कैसे बढ़ाएं, देख सकते हैं 113 के वीडियोस हैं और 26 चैनल ने इस वीडियो ये हैशटैग यूज किया है। उसके बाद आपको नीचे आना है, फिर हैशटैग डालना है YouTube पर व्यूज कैसे बढ़ाएं, YouTube पर व्यूज कैसे बढ़ाएं, ठीक है, व्यूज कैसे बढ़ाएं। इस तरीके से आपको कुछ कुछ जो है हैशटैग यहाँ पे डाल लेने हैं, ज्यादा नहीं डालना, लेकिन यहाँ पे आपको हैशटैग जरूर से जरूर यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में अपने चैनल का हैशटैग जरूर डालना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नित्या के सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है आपको हैशटैग डाल लेना है। अब आपको जो मेन चीज बताने वाला हूं, जिससे कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे बहुत ज्यादा, आपके सब्सक्राइबर बिना सब्सक्राइब किए जाएंगे ही नहीं आपके चैनल से, इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे सेव कर लेना है, जो भी आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखा है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करके सेव कर लेनी है। देख सकते हैं हमने क्लिक कर दिया और सेव हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में जो इसके नीचे आइकन बना हुआ है इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हु कैन सेंड मैसेज, जाहिर सी बात है अगर आप कोई एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं या फिर आप कोई भी रिलेटेड अगर आप लाइव कर रहे हैं, तो वहां पे उसी तरह के आपकी ऑडियंस आएंगी,
वो आपको मैसेज करने की कोशिश करेंगे लाइव में। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जितनी भी आप जो भी लाइव वीडियो बना रहे हैं, जो भी लाइव वीडियो आप जिस भी टॉपिक पे आ रहे हैं, उस टॉपिक में या तो कोई जानकारी होनी चाहिए, या तो कोई एजुकेशन होना चाहिए, या तो इंटरटेनमेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए जिससे लोग पसंद करें। ऐसे ही आप फालतू का लाइव आके अगर वीडियो बनाएंगे तो वो चीजें नहीं चलेंगी। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, हु कैन सेंड यू मैसेज, तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर पे क्लिक करना है और इसे यहाँ पे सेव कर देना है। इससे क्या होगा कि जो आपके सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, वही आपको मैसेज कर पाएंगे, अदरवाइज कोई नहीं कर पाएगा। और जब आपको कोई मैसेज करने का लाइव में कोशिश करेगा, जैसे ही आपका लाइव वायरल होगा, लोग आपको मैसेजेस करेंगे, तो जैसे ही मैसेज करने का कोशिश करेगा तो YouTube उसे कहेगा कि पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब आप इन्हें मैसेज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका लाइव वीडियो तो वायरल होगा ही, साथ ही साथ आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। और इस तरीके से करके काफी लोगों ने अपने चैनल को ग्रो किया है दोस्तों। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर चीजें जो है यहाँ पे सिखा सकूं। दोस्तों ये पूरी की पूरी सेटिंग थी जिससे कि आप आसानी से लाइव आकर यूट्यूब पे धमाल मचा सकते हो और बिना वीडियो बनाए आप जो है जल्द से जल्द यूट्यूब पे लाइव आके अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही YouTube रिलेटेड वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।